बीएड कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेटों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिन ब दिन जो है आपका बेरोजगारी का जो है घटना घटते जा रही है, यानी कि बेरोजगारी जो सामने आते जा रहे हैं, उसी को लेकर जो है गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जो कि जो लोग अपना गवर्नमेंट सेक्टर पर टीचर्स बन सकते हैं। तो यदि आप भी गवर्नमेंट सेक्टर पर टीचर्स बनना चाहते हैं तो यह वीडियो अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली बात बताने वाले कि किस प्रकार से आप जो है एक गवर्नमेंट शिक्षक में आप शामिल हो सकते हैं, कब इसका वैकेंसी आने वाले, तो पूरा का पूरा डिटेल्स कौन से लोग भर सकते हैं कौन से लोग नहीं भर सकते, पूरा का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले। तो बताने से पहले यदि आप इस रेड कलर का बटन को अगर अभी तक आपने नहीं दबाए तो आप जल्दी से जल्दी दबा के इसके साथ साथ बेल का भी आइकन दबा दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर हर प्रकार का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जाते हैं तो हर प्रकार का अवेलेबल है, यहाँ से अनाइज से असाइनमेंट से नोट्स से लेकर हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर अलग अलग वीडियो जो है अलग अलग प्ले लिस्ट के साथ जो यहाँ पर जारी कर दिए गए। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से उस न्यूज़ को माध्यम से मिलेंगे और हमें क्या चीज़ के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया थे एनसीटीई से, आप सभी को डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन को ही आपको दिखाई दे रहे थे, आपको कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहे थे कि वाकई में यह जो है कहाँ से निकले, यह नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त हुए। अनाउंसमेंट तो की गई ये बात तो सही थे, लेकिन कहाँ से की गई किसी को नहीं पता था। डायरेक्ट क्या करते थे, पीडीएफ जो लिंक है उसको डायरेक्टली आपको आपके सामने दिखा देते। तो हम जो भी कुछ भी हम हमारे चैनल पर जब भी कुछ भी आते तो पूरा का पूरा प्रूफ के साथ आते, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा के डाल दे। इसीलिए पूरा का पूरा कंप्लीटली जानकारी लेने के बाद आप तक कोई भी जानकारी को हमारे द्वारा जो पहुंचाए जाते आपके तरफ। तो एनसीटी के माध्यम से जो है आपको यह सूचना जारी की गई थी। तो अनाउंसमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अनाउंसमेंट में जो सबसे यह जो 28 जून को ही लागू किए गए थे, आप सभी को पता है 28 जून को ही यहाँ पर काफ़ी सर्च करने के बाद काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस वेबसाइट में हम लोग गए, यहाँ से पता चले कि यहाँ पर जो 28 जून को ही यह नोटिफिकेशन आए थे। तो चलिए उस नोटिफिकेशन की ओर एक नज़र डालते हैं और वहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं कि किन लोगों को जो है कौन से फॉर्म को भर सकते हैं, किस टाइप से कौन से स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कितने क्लास तक पढ़ा सकते हैं, डीएलएड वाले कितने क्लास तक, बीएड वाले कितने क्लास तक पढ़ा सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें हम आपको बताने वाले। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात बता दें कि एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन, इस चीज़ को आप ख्याल रखिए, यह जो एक स्टेट गवर्नमेंट का साइट है। तो चलिए आपको उस लिंक की ओर चलते हैं, इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और आपको पूरा का पूरा मामला को समझाते हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन संख्या डीएल, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो है रजिस्ट्रेशन संख्या या जो भारत सरकार का राजपत्र जो है निकालेगी है, तो यह राजपत्र जो है निकाले गए पूरा, यह जो है राजपत्र न्यू दिल्ली से शुक्रवार 29 जून को जो यहाँ पर लागू किए गए थे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्था जो एनसीटी कहते हैं उसी को यहाँ पर अधिसूचना यह नए दिल्ली जो है 29 जून को ही यह जो है पत्र को जारी किए गए थे। तो इस पत्र में जो पूरा का पूरा इसमें जो डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से हम लोग पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ऐसी यह जो है यह एक कानून बने थे 2009 में 10 में, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चे में, तो इसको जो है आप नहीं भी देख सकते, हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, तो 2009 में जो एक धारा बने थे उसी के तहत जो है सभी स्कूल को जो है सारे स्कूल को हर चीज़ का सुविधा दिए जाएंगे, उसी को लेकर यहाँ पर पारित हुए थे। तो यहाँ पर अगर पहला अगर हम लोग पॉइंट में अगर बात करते हैं, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर जो लिखे हैं कि उपरोक्त अधिसूचना में पैरा वन, ठीक है, उपरोक्त अधिसूचना में जो पैरा जो वन जो दिया गया है उसमें जो है अनुच्छेद एक में शब्दों और कष्टों के बाद स्नातक तथा प्राइमरी शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो वैसे कैंडिडेट जो कि डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं 2 वर्ष का जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर जो इस पॉइंट को कहे जा रहे हैं कि इन सभी जो है अपना फॉर्म को भी अप्लाई यहाँ पर जो है कर सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का डिप्लोमा आप सभी को पता है 2 वर्ष का डिप्लोमा जो डीएलएड को भी जो आपका 2 वर्ष का ही डिप्लोमा कहलाते हैं, तो यह सब भी वो सब भी लोग जो है इस फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ
यहाँ पर यह भी देखें, अथवा में क्या है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका पास जो शिक्षा स्नातक मतलब होता है बीए, जिसमें कम से कम जो 50% का आपके पास जो है मार्क्स होने चाहिए, तो वह सारे कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरा चिट्ठा खोल के अगर रखते हैं तो यहाँ पर जो है एम पॉइंट में लिखे हुए, जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो एनसीटी या से जो भी आपको कैंडिडेट से जो भी इसका मान्यता प्राप्त से जो भी अपना टीचर स्नातक यानी बीएड किए होंगे, तो उन सभी को लिए कम से कम 1 से लेकर 5 तक के लिए, लेकिन यहाँ पर जो 1 से लेकर 8 तक का भी आप पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी लिखें कि किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में प्रयुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षण के रूप में नियुक्त होने व के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसको 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम करने का मतलब होता है एक ब्रिज कोर्स आते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो बीएड कर रहे थे उन सभी के लिए ब्रिज कोर्स जो कि 6 महीना का एक ट्रेनिंग होते हैं, उन सभी कैंडिडेट को जो है ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि वे सभी जो है 6 महीना का जरूर अपना कोर्स को अवश्य पूरा करना होगा, तब जाके आप जो है किसी भी फॉर्म को एबिलिटी आप भर सकते, तब जाके आप कोई प्राइवेट या सरकारी शिक्षक बनने के लिए लायक है। तो यह जो बहुत ही एक बड़ी खबर थी, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है लिखे हुए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी लिखे हैं नोट में कि प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में पत्र में दिनांक 25 अगस्त 2010 को असाधारण भाग 3 अनुच्छेद 4 में दिनांक 23 अगस्त 2010 से इतना संख्या में जो है इसमें जो है कहा जा रहा है कि उस वक्त इस कानून को जो है पारित किए गए थे। यही चीज़ यहाँ नीचे में इंग्लिश से ही इन्फॉर्मेशन लिखे, बाकी जो है दोनों का दोनों सेम। तो यहाँ पर जो है इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि वैकेंसी को जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं, जिसको लेकर पहले से ही नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि जो है आप सभी अगर बीएड कर रहे हैं या 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोगों के पास इतने इतने क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इस टाइप से क्वालिफिकेशन होने चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो मैक्सिमम टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उस टाइप से वैकेंसी भी नहीं आते हैं और उस टाइप से डिप्लोमा या बीएड सब कोई नहीं कर पाए थे इसके कारण। लेकिन अब तो सब कोई कम से कम डीएलएड तो जरूरी कर लिए होंगे, तो वो सारे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द जो है भारत सरकार जो है बहुत जल्दी इस वैकेंसी को लाने वाला, लेकिन जो ऊपर में जो नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ आपके पास किए गए वो सब सारे का सारे चीज़ आप अपने पास कंप्लीट करके रखिएगा। तो यह जो थी बहुत ही एक राजपत्र जो थे आप सभी को जानना यह जरूरी थे। यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स कि आपको कितने जल्दी इसका वैकेंसी चाहिए, क्या डीएलएड कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका वैकेंसी आना चाहिए या अभी यह वैकेंसी आना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आते हैं तो डीएलएड जो कर रहे हैं 13 से 14 लाख जो कैंडिडेट डीएलएड कर रहे हैं उन सभी को में भी इसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं होते तब तक आप कोई भी वैकेंसी को आप नहीं भर पाते, और यह बात आपको भी बहुत ही अच्छी तरह से पता है। तो यह वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।